गुड आफ्टरनून। टाइमिंग चेंज हो गया है ना, 12:30 to 1:30 इज द टाइमिंग। यस, अब से रोज यही रहेगा, थोड़ा टाइम में चेंज आ गया है ना। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। जहां लास्ट क्लास में छोड़ा था वहां से आगे चलते हैं। चार तरह के क्वांटम नंबर पे हम बात कर रहे थे। चार तरह के क्वांटम नंबर पे बात कर रहे थे, तो आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से किसी आदमी को लोकेट करने के लिए हमें चार चीजें लगती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए भी हमें चार चीजें लगती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इससे पहले हमें पता था कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड शेल होता है ना, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड शेल होता है। बट अभी ये पता लग गया कि ये शेल जो होते हैं वो खुद से छोटे छोटे सबशेल से बने होते हैं, और सबशेल जो होते हैं वो ऑर्बिटल से बने होते हैं ना। तो शेल जो है, शेल्स जो है वो किससे बना होता है? सबशेल से। और सबशेल किससे बना होता है? ऑर्बिटल से। और ऑर्बिटल्स के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उनके दो स्पिन होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में केवल दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसका स्पिन जो बताया था वो रोटेट, अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो यहां पर आता है स्पिन, स्पिन। और स्पिन के दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को प्लस हाफ बोल दो तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ हो जाएगा, है कि नहीं? इसको ऐसे भी दिखाते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, किसी के लिए कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो शेल है, शेल इज इंडिकेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल इंडिकेट होता है। सब शेल जो होता है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर से इंडिकेट होता है। अब एज्यूमिथल का बहुत सारा नाम है, सब्सिडरी, सेकेंडरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, एंगुलर क्वांटम नंबर, नॉट मैग्नेटिक, एंड एंगुलर क्वांटम नंबर, और यहां हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये चार तरह के, और ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर है, फोर टाइप, जिससे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बारे पता लगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एन एल एम एस। ठीक है, एन एल एम एस, ये चार तरह के क्वांटम नंबर है हमारे पास। ये चार तरह के क्वांटम नंबर है हमारे पास। अब एक बात और बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन का वैल्यू क्या हो सकता है? एन का वैल्यू हो सकता है वन, एन का वैल्यू हो सकता है टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड इंफिनिटी तक जाएगा। एन क्या इंडिकेट करता है? प्रिंसिपल नंबर। अगर कोई पहला शेल है तो एन का वैल्यू वन, के लिए वन है ना, तो इसका नाम भी है, नेम ऑफ दिस शेल इज के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन है ना। तो एन क्या इंडिकेट करता है? एन इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था
कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मेरे पास एक शेल है और दूसरा शेल है, एनर्जी बाहर जाने से एनर्जी बढ़ता है या कम होता है? न्यूक्लियस से अगर मैं बाहर की ओर जा रहा हूं तो शेल की एनर्जी कम होगी या इंक्रीज होगी? बताओ, शेल की एनर्जी जो होगी वो कम होगी, इंक्रीज होती है? इंक्रीज, भूल गए, सब सब गलत बोल रहे हो। एनर्जी इंक्रीज होती है, जितना न्यूक्लियस के सामने है शेल की एनर्जी उतनी कम, और जितना दूर आप जाएंगे शेल की एनर्जी उतनी ज्यादा, है कि नहीं? एनर्जी याद रखना, ध्यान से समझना, एनर्जी जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत सामने है तो उसको जब इसने पकड़ के रखा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, और जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस उतने वीक फोर्स के साथ तोड़ेगा। फोर्स कम है लेकिन एनर्जी इसकी ज्यादा है ना? डोंट कंफ्यूज बाई फोर्स एंड एनर्जी, है कि नहीं? इनके बीच का फोर्स कम रहेगा लेकिन इसकी एनर्जी हाई रहेगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंडेड नहीं है। ठीक है, याद रख लेना। तो एन का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, तो मैं क्या इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे कमेंट कर सकता हूं? बोला हां सर, वी कैन डू दैट। जितना एन का वैल्यू बड़ा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, एन का वैल्यू जितना छोटा उसकी एनर्जी कम। शेल क्लोजर टू न्यूक्लियस हैव लेस एनर्जी कंपेयर टू आउटर शेल। यस, सही बात है। तो आप शेल जितना न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी, याद रखना, है ना? और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम रहेगी, ये एनर्जी इसकी कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब एनर्जी कम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को इंडिकेट करता है और एन बताता है आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के किस फैक्टर को बताता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या अगर है, कभी ऐसा पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का होता है, मान लिया, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें पता है तो हमें उससे क्या पता लग जाएगा? तो बोला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में पता लग जाएगा, है कि नहीं? और इवन ये एन ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है कि नहीं? एन का वैल्यू जितना बड़ा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना दूर, एन का वैल्यू जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना क्लोज, न्यूक्लियस से जितना क्लोज उसकी एनर्जी उतनी कम, न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा। एकदम सिंपल, आसान है, बोलो, आसान है, ये बात याद रखना। एनर्जी एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या समझ में आना चाहिए? अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें पता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन कौन सी बातों को बताता है? इट इंडिकेट एवरेज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। हायर वैल्यू ऑफ एन,
हायर वैल्यू ऑफ एन मींस मींस इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. जितना ज्यादा एन का वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर चला जाएगा, है ना. इट डिटरमाइंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे बताता है ना. हायर द एनर्जी, हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर विल बी एनर्जी. हायर वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हायर विल बी इट्स एनर्जी एंड इट इज लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस. एन का वैल्यू जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन उतना दूर, इलेक्ट्रॉन जितना दूर एनर्जी उतनी ज्यादा, और एनर्जी जितनी ज्यादा वो न्यूक्लियस से उतना वीकली जुड़ा हुआ है, उसके बीच में लूजली जुड़ा हुआ है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और वो बहुत अच्छे से जुड़ा नहीं है, स्टेबिलिटी उसकी कम. है कि नहीं? तो ये दो बातें तो हमें पता लग जाती है ना. ये दो बातें एन से पता लगती है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, और जितना दूर है उससे ये भी पता लग जाएगा उसकी एनर्जी कैसी है, और उसकी अगर एनर्जी पता लग गई तो हमें ये पता लग जाएगा कि उसकी स्टेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी है एटम के अंदर, है ना. क्लियर? लिख के करो डन, फिर बढ़ते हैं आगे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू वन से लेकर इंफिनिटी तक हो सकता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं. किससे इंडिकेट करते हैं? एन से. हाँ जल्दी लिखो आओ आयुष, जल्दी लिखो. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वॉज इंट्रोड्यूस बाय बोहर, है ना. बोहर ने इंट्रोड्यूस किया. It was introduced by Bohr. बड़े आगे next page पे जाएं. Done? Okay. One minute first slide. कौन सा है ये first slide? ये वाला बोल रहे हो? This one. तो ये बताया, वो पुराना जो पढ़ाया था वही वही लिखाया है मैंने कि शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल किससे इंडिकेट होता है? एजिमिथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इंडिकेट होता है, और स्पिन से इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन के बारे में पता लगता है. ठीक है, और यहां पर वही बताया कि n का वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक हो जाता है, तो उसके नाम पता लगता है. पहला, n का वैल्यू 1 मतलब k शेल, n का वैल्यू 2 मतलब सेकंड शेल, n का वैल्यू 3 मतलब थर्ड शेल. ये हो गया k, ये हो गया l, ये हो गया m, n. इस तरह से आप n के वैल्यू से पता कर सकते हैं कि आप किस शेल के बारे में बात कर. सेकंड जो है वो है एजिमिथल क्वांटम नंबर. एजिमिथल क्वांटम नंबर सोमरफील्ड ने दिया था, इंडिकेटेड बाय एल, इंडिकेटेड बाय एल, है ना. और एल का जो वैल्यू होता है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन एन. किसी भी शेल के अंदर
कितने सबशेल होंगे वो कौन डिसाइड करेगा कि किस तरह का शेल है। पहले शेल के लिए नंबर ऑफ सबशेल अलग रहेंगे, सेकंड शेल के लिए नंबर ऑफ सबशेल्स अलग रहेंगे। तो एल का जो वैल्यू है, दैट इज एल का वैल्यू जो है, एल द वैल्यू ऑफ एल इज डिसाइडेड बाय व्हाट? Value of L is decided by value of N for which it belongs, है ना? L का value हमेशा से depend करेगा N पे। कौन से n के लिए l आप निकाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। n का वैल्यू अगर है n का वैल्यू है 1। अब l का वैल्यू जो रेंज करता है, ये भी लिख देता हूं यहां पर, उसके बाद इसके वैल्यूज के बारे देखेंगे। इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to n minus 1, 0 से n minus 1 तक इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, मुझे ये एक बात बताओ, n का वैल्यू 1 मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट शेल है ना, k शेल। n का वैल्यू 2 मतलब l शेल। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये एक नंबर है, बट इस नंबर का खुद का कोई मीनिंग नहीं है। 1, 2, 3, 4 किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, समझ रहे हो क्या? जैसे बारामती का नंबर, अगर आप देखेंगे कि हमारा नंबर जो है MH42 है, तो 42 खुद एक नंबर होने के साथ साथ उसका एक मतलब है। 42 doesn't have its own last slide। क्या लिखे हो भैया? सर ये टॉपिक मेगा टेस्ट में इंक्लूड होगा IOC का? हाँ भैया होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्लाइड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाला स्लाइड। क्या कर रहे हो तुम लोग, कितना टाइम लगा रहे हो? पॉइंट्स वाला स्लाइड, ये पहले से ही आपका लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये ऑलरेडी आपने लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। या आपने देखो, आपने जब लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आपने ऑलरेडी लिखा है कि ये क्या इंडिकेट करता है। अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी, है ना? अभी देखो, ये मैंने लिखवाया था, ये आपका डन, मैंने पूछ लिया था कि आपने ये लिख लिया क्या, नया आपको बस यही लिखना था, ठीक है? हाँ, ऑर्गेनिक रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सर ने बुक सेंड किया? सर ने नहीं किया, मुझे करना था आपको बुक सेंड, ठीक है? अब अभी आ जाओ, एक मिनट ध्यान से सुनो, इधर उधर की बातें मत करो अभी, लास्ट स्लाइड। अरे कितना लास्ट स्लाइड लिखोगे यार, कितनी बार लिखोगे लास्ट स्लाइड? इतने देर 10 मिनट से एक स्लाइड लिख रहे, क्या चल रहा है? 2 लाइन लिखने में इतना टाइम? चलो मैं वेट करता हूं, एक क्लास में ना एक ही स्लाइड पढ़ेंगे हम लोग, तुम्हारे स्पीड से एक क्लास में एक स्लाइड पढ़ेंगे। बोल रहा है, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करूं, बोल रहा है इट डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाता जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाते गए, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना? याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन से बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है तो वो स्टेबल है, जितना दूर है वो उतना अनस्टेबल है,
क्योंकि कोई उसको आके तुरंत निकाल सकता है, क्योंकि उसके और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? तो जितना दूर रहेगा उतना अनस्टेबल है, और अनस्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, तो आसानी से वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये बढ़े आगे अभी कि कोई है और, है और लिखने वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कोई रिसर्च कर रहा है क्या? पीएचडी करने के बाद ही छोड़ो मुझे, उस पेज से आगे बढ़ने दो। तब तक आपकी जब तक पीएचडी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आगे ही मत बढ़ने दो। एजीमिथल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या है? एजीमिथल क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड बाय एल। द वैल्यू ऑफ एल इज डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एन। याद रखना, एल का वैल्यू हमेशा से एन पे डिपेंड करेगा, और एल का वैल्यू जो है, एल का वैल्यू रेंज करता है 0 to n-1। अब जैसे ध्यान से समझो, जैसे एन ने इंडिकेट किया था शेल के बारे, एल किसके बारे इंडिकेट करता है? सब शेल के बारे, सब शेल के बारे। तो एक तो बात समझ में आया कि सर शेल से ना, शेल नंबर से हमें एनर्जी के बारे पता लगता है। आप ये बता सकते हो क्या कि सब शेल से हमें फिजिकली क्या समझना चाहिए? जैसे आपने बोला शेल, अगर शेल क्लोज है न्यूक्लियस के तो उसकी एनर्जी कम है, अगर शेल दूर है तो उसकी एनर्जी कम है, है ना? एनर्जी ज्यादा है, जितना क्लोज न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी उतनी कम, और न्यूक्लियस से जितना दूर शेल उसकी एनर्जी ज्यादा। तो एन के वैल्यू से हमें एनर्जी पता लगता है, उसी तरह सबशेल के वैल्यू से इलेक्ट्रॉन के किस प्रॉपर्टी के बारे पता लगेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए। कि सर शेल से तो एनर्जी पता लग जाता है, शेल से तो एनर्जी पता लगता है, सबशेल से क्या पता लगेगा? तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि एन का वैल्यू 0 to n-1 तक चेंज होता है, इसका मतलब क्या है समझो। अगर मेरे पास एन का वैल्यू है 1, एन का वैल्यू है 1, तो एल का वैल्यू एन के लिए फर्स्ट शेल में कितने सब शेल रहेंगे? एन का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट सब शेल है कि नहीं? एन का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में कितने सब शेल रहेंगे? तो बोलता है फर्स्ट शेल में कितने सब शेल रहेंगे वो डिसाइड होगा एल का वैल्यू से, और वो कितना रहेगा? 0 to n-1। n माइनस वन इज 1 - 1 इज 0, मतलब 0 to 0, मतलब केवल एक ही सबशेल है ऑफ टाइप 0। अब कुछ लोग बोलते हैं सर 0 सबशेल हुआ ना, l का वैल्यू 0। अरे 0 एक नंबर है जो किसी चीज को इंडिकेट करता है ना, समझ रहे हो क्या? 0 doesn't means nothing, 0 is itself a number, याद रखना 0 is itself a number which indicates something। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0 मतलब सबशेल 0। अरे 0 जो है जैसे 42 इंडिकेट करता है, अगर जैसे समझ लो किसी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड, जैसे हमारा MH42 है, वैसे अगर किसी का पिन कोड 0 है तो आप ऐसा बोलोगे क्या कि उसके पास कोई पिन कोड ही नहीं? बोलेंगे पिन कोड तो है लेकिन वो 0 है। Wait करो। What a pose sir, क्या हो गया भैया? मैंने कौन सा pose दिया? सुनो, freeze हुआ कोई टेंशन नहीं, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं, मुझे समझता है freeze हो रहा है। Sir means L का number 0 है, हाँ, तो 0 इज अ टाइप ऑफ सबशेल, याद रखना, नोट करना कि 0 एक टाइप है ना? जैसे अज्यूम करो हमारे क्लास में रोल नंबर है, रोल नंबर जनरली 1 से चालू होता है, अगर मैंने किसी का रोल नंबर 0 रख दिया तो वो आदमी एग्जिस्ट करेगा ना? आप ऐसा तो नहीं बोलोगे 0 वाला आदमी नहीं है, क्योंकि 0 है इसीलिए कोई पर्सन नहीं, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? अगर मैंने नंबरिंग 1 के जगह 0 से चालू किया
तो जीरो का हमें ऐसा समझ में आता है, जीरो मीन्स नथिंग, बट जीरो ओवर हियर इज अ टाइप ऑफ अ सबशेल, है ना। जीरो इज अ टाइप ऑफ सबशेल, सबशेल का एक टाइप है जिसका जिसको हम लोग जीरो से इंडिकेट करते हैं। सो इट इंडिकेट, इट इंडिकेट, इट इंडिकेट एस सबशेल। अब एस क्या है मैं बताऊंगा, कैपिटल एस है या स्मॉल एस, एस है, कैपिटल एस। चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। चलो सुनो 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 आप सुनो। चलो आपको एक एकदम एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास चार मेन्यू है, मेरे पास आज आपको पार्टी दे रहा हूं, उसमें चार चीजें है मेरे पास। एक मिनट, सुनो, चलो आज मेरे तरफ से पार्टी है, पार्टी में मेन्यू में आपको चार चीजें हैं। यही है स्क्रीन में ही है, टेंशन मत लो। पिज्जा है, जीरो नंबर पे पिज्जा है, देखो आदित्य ने दारू भी डाल दिया। चलो दूसरे नंबर पे दारू है, आदित्य तेरे को दारू चाहिए तो एक नंबर पे दारू, दूसरे नंबर पे आइसक्रीम है, तीसरे नंबर पे क्या और चाहिए बोलो। अच्छा आदित्य को दारू नहीं चाहिए, हाँ दारू दारू मेन्यू में है, हटा देना उसको, बिरयानी चाहिए। चलो बिरयानी, चलो बताओ आपके च्वाइस बताओ, आप क्या खाना पसंद करो, अपने अपने बस इतने ही, चार ही आइटम है, कुछ नहीं। सेकंड पिज्जा, हाँ मयंक पिज्जा खाना चाहता है, सुनो 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 अभी आ गया, मयंक पिज्जा खाना चाहता है। मयंक कौन सा नंबर खाना चाहता है, जीरो। मयंक जीरो नंबर खाना चाहता है, जो बच्चे पिज्जा खाना चाहते हैं वो जीरो खाना चाहते हैं, जीरो नंबर खाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है क्या ये कुछ नहीं खाना चाहते, नहीं ना, बात समझने का ट्राई करो, अभी मस्ती में मत आओ। जीरो नंबर खाना चाहते हैं मतलब वो इंडिकेट कर रहा है किसी चीज को, मैं बोलूं मैं जीरो खाना चाहता हूं इसका मतलब मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूं, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, बट यहां पर जीरो का मतलब कुछ और है, जीरो का मतलब पिज्जा है, मतलब मैं पिज्जा खाना चाहता हूं। बात समझ रहे हो, क्लियर हो गया, समझ में आया कि जीरो इज इटसेल्फ अ टाइप। जीरो जीरो का मतलब एक टाइप है जो कि अटक रहा है, हाँ थोड़ा पानी पियो, पिज्जा अटक रहा है ना, पिज्जा अटक रहा है तो पानी पियो। अच्छा वॉइस अटक रहा है, अच्छा यार रेंज तो मेरा एकदम परफेक्ट है, एकदम आज चकाचक रेंज है, तुम कैसे बोल रहे हो कि अटक रहा है।
एक मिनट मीनिंग बताता हूं. मीन्स द वैल्यू ऑफ एल डज नॉट टेल अबाउट नंबर ऑफ द सब शेल, इट इज अ टाइप. यस, एल इंडिकेट टाइप ऑफ सब शेल. एल इंडिकेट, एल का वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है. एल डजंट इंडिकेट नंबर ऑफ सब शेल, रेदर इट इंडिकेट टाइप ऑफ सब शेल. नहीं, जीरो हैव एन इंपॉर्टेंस. जीरो इज अ नेम गिवन टू अ टाइप ऑफ सब शेल. जीरो इज द नेम गिवन टू अ टाइप ऑफ सब शेल. जैसे जीरो यहां पिज्जा को जीरो बोला गया है, उसी तरह एल का वैल्यू जीरो, इसका मतलब एस टाइप का एक सब शेल हुए, उसका नाम दिया गया जीरो. बात समझ में आ रही है? बोलो 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 बोलो. क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो मैं बोलूं एल का वैल्यू जीरो, एल का वैल्यू जीरो मतलब कौन सा टाइप ऑफ सब शेल? तो आपको बोलना चाहिए एस टाइप ऑफ सब शेल, है कि नहीं? हाँ, जीरो इज हीरो. यहां जीरो हीरो है भैया. जीरो एस टाइप का सब शेल को इंडिकेट कर रहा है. समझ में आ रहा है? तो एल का वैल्यू जीरो, एल का वैल्यू वन, एल का वैल्यू टू, एल का वैल्यू थ्री इज अ नंबर गिवन टू सर्टेन टाइप ऑफ सब शेल. जीरो वन टू को नंबर की तरह ट्रीट नहीं करना है, रादर उसको नाम की तरह ट्रीट करना है, रोल नंबर की तरह ट्रीट करना है ना. तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां जो मैं आपको बताऊंगा, value of L indicate type of subshell. हाँ भाई,
चलो आप बोल रहे थे तो इसके लिए मैंने कट किया और मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया कि एल का जो वैल्यू है इट इंडिकेट टाइप ऑफ सबशेल, टाइप ऑफ सबशेल को इंडिकेट करता है। जीरो डजंट मींस नथिंग, जीरो मींस एस टाइप। एल का वैल्यू वन मींस P टाइप का सबशेल। अभी एस पी क्या है हम अभी देखेंगे। L का वैल्यू टू मतलब D टाइप का सबशेल, थ्री मतलब F टाइप का सबशेल, फोर मतलब G टाइप का सबशेल एंड सो ऑन, है ना। तो जीरो L का वैल्यू, L का हर वैल्यू देखो ध्यान से सुनो, मैं जो एक बार बता रहा हूं ध्यान से सुनने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो। एन का वैल्यू शेल नंबर बताता है, एल का वैल्यू जो है वो शेल नंबर बताता है, और उसका वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव मतलब के एल एम एन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वहां नंबर का मीनिंग शेल का नंबर से ही है। एन का वैल्यू नंबर मींस नंबर, फर्स्ट शेल इज फर्स्ट, एन का वैल्यू वन मींस फर्स्ट शेल, एन का वैल्यू सेकंड इज सेकंड शेल, एन का वैल्यू थर्ड इज थर्ड शेल। तो एन का वैल्यू एग्जैक्टली जो नंबर है वो आपको नंबर शेल नंबर बताता है, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन एल का वैल्यू नंबर किसी नंबर को ना बताते बता के उस नंबर का एक मीनिंग होता है। तो एल का वैल्यू जीरो का मतलब होता है एस टाइप का सबशेल, एल का वैल्यू वन का मतलब होता है पी टाइप का सबशेल, एल का वैल्यू टू का मतलब होता है डी टाइप का सबशेल। मतलब आप बोलेंगे सर सबशेल ये एस पी डी एफ जी कुछ टाइप है क्या? बोला हाँ, सबशेल के अलग अलग टाइप्स हैं। हाँ नहीं है, एस पी डी एफ नाम दिया गया, उसका एक मीनिंग है वो भी बताऊंगा। यस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। क्या मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या ये आपको समझ में आ गया है कि एल का नंबर एक नंबर नहीं है, रेदर इट इंडिकेट अ टाइप ऑफ अ सबशेल। यहां तक बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया आपको पिज्जा वाला, कि पिज्जा का वैल्यू जीरो डजंट मींस नथिंग, रादर इट इज अ टाइप, ठीक है। तो पिज्जा जीरो, मेन्यू में जीरो नंबर डजंट मींस कि आप बोलेंगे सर मैंने पिज्जा ऑर्डर किया तो कौन सा नंबर, कोई बोला नंबर कौन सा ऑर्डर है, जीरो। बोला जीरो मतलब कुछ नहीं किया क्या? नहीं बेटा, जीरो का मतलब है पिज्जा। तो एल का मतलब, एल का जीरो का मतलब होता है एस टाइप, एल का वन का मतलब होता है पी टाइप, एल का टू का मतलब होता है डी टाइप, एल का थ्री का मतलब होता है एफ टाइप। सो ये नंबर, एल के जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सबशेल को इंडिकेट करते हैं। हाँ आएगा आएगा, अभी वो पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ क्यों आया है इसके कारण है। तो आप ये पहले लिखो और डन करो, फिर आगे बढ़ता हूं। अभी और बचा हुआ है जी मित्तल, में और कुछ बताना? यस, एल इंडिकेट टाइप ऑफ सबशेल, ये लिख के डन करो फिर आगे बढ़ते हैं। दिवाकर, तो उसमें जो भी ग्रुप है ना, ग्रुप मेंबर को बोलो आपको ऐड करेंगे, ऑफिस में कॉल करो, ठीक है। आगे बढ़ू मैं? बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, कहां पर बॉक्स है? फर्स्ट शेल, एन का वैल्यू है फर्स्ट शेल। मैंने केवल यह बताया कि एन का वैल्यू अगर फर्स्ट शेल है तो एन के लिए एल का वैल्यू होगा क्या? जीरो। क्योंकि L कहां से कहां रेंज करता है, वो रेंज करता है 0 टू n माइनस 1। तो फर्स्ट शेल के लिए केवल एक टाइप का ही सबशेल होगा और वो होगा S। मतलब फर्स्ट शेल
अगर मैं आप ऐसा पूछो कि ये एक ऐसा शेल है, फर्स्ट शेल में केवल एस टाइप के सब शेल है और उसमें कोई भी टाइप का सब शेल नहीं, ये लिख के डन कीजिए। तो फर्स्ट शेल इज मेड अप ऑफ, अगर मैं बोलूं फॉर इन फर्स्ट शेल हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर, तो आपका नाम आंसर क्या होना चाहिए, जीरो और वन। इन फर्स्ट शेल हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर, वन। जीरो इज अ टाइप ऑफ सब शेल, देखो यहां पर मिस कर गए, जीरो उसका नाम है लेकिन हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर, वन ऑफ टाइप जीरो, जीरो मीन्स एस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, बढ़ू आगे, पहले आगे बढ़ू। एजिमिथल क्वांटम नंबर को सोमरफील्ड ने डिस्कवर किया था, सोमरफील्ड ने दिया, अरे भैया 1.1 115 हो गया, अभी 130 तक है हर रोज, 12:30 to 2:30 1:30, अभी हर रोज 1:30 तक क्लास रहेगा, 12:30 to 1:30, ठीक है। बढ़े आगे, तो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, इन फर्स्ट शेल इन क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, इन फर्स्ट शेल हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर, तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज वन, वन सब शेल इज प्रेजेंट, वन सब शेल इज प्रेजेंट हुज नेम इज, नेम इज व्हाट, नेम इज एस सबशेल, है ना। फॉर एस सबशेल, फॉर एस सबशेल द वैल्यू ऑफ एल इज, एल इज जीरो, जीरो जो है वो एल का वैल्यू है किसके लिए, एस के लिए, तो L का वैल्यू जीरो इंडिकेट करता है S टाइप के सबशेल को, तो पहले शेल में कितने सबशेल होंगे, पहले शेल में एक सबशेल होगा और उसका टाइप क्या रहेगा, उसका टाइप रहेगा S, L का वैल्यू जीरो इंडिकेट S टाइप, याद रखना L का वैल्यू जीरो इंडिकेट S टाइप, जीरो डजंट मीन जीरो, बहुत पॉइंट वो बहुत स्ट्रेस देके मैंने समझाया है, क्योंकि जीरो का मतलब आप कंफ्यूज मत होना, जीरो डजंट मींस नथिंग, जीरो मींस एस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि सर अगर चलो एस का वैल्यू पहला सेल में अगर एक सबशेल है, तो मेरा क्वेश्चन अगर है हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन सेकंड शेल, हाउ मेनी, क्या रिपीट करूं, फर्स्ट शेल में there is a single type of subshell of type S, how many subshell are there in second shell, second shell में कितने subshells होंगे, तो इसका answer है 2, क्यों, शेल नंबर अगर आप 2 की बात करें तो L का वैल्यू, N का वैल्यू क्या हो गया 2, तो L का वैल्यू कहां से रेंज करेगा, 0 से
एन माइनस वन तक, और एन माइनस वन मतलब क्या, जीरो, टू माइनस वन इज वन, तो जीरो और वन, तो टू टाइप ऑफ सबशेल, टू टाइप ऑफ सबशेल, कौन कौन से टाइप, कौन कौन से टाइप, जीरो मींस एस और वन मींस पी. सो सेकेंड शेल हैव टू टाइप ऑफ सबशेल, सेकेंड शेल हैव टू टाइप ऑफ सबशेल, टू टाइप ऑफ सबशेल, दे आर एस एंड पी टाइप, एस एंड पी टाइप. बात समझ में आ रही है? तो सेकेंड शेल में कितने तरह के सबशेल हैं? सेकेंड शेल में दो तरह के सबशेल हैं, एक जीरो टाइप है और एक वन टाइप है. जीरो का मतलब एस होता है, वन का मतलब पी होता है. तो एस और पी दो तरह के सबशेल हुए. सर एल तो सिर्फ वन ही आएगा ना? नहीं, एल का वैल्यू रेंज करता है. एल एक ही वैल्यू नहीं है, एल एक रेंज है जिसका वैल्यू रेंज करता है जीरो टू एन माइनस वन तक. तो जीरो से उस नंबर तक जाना है जब तक एन माइनस वन नहीं आता है. तो एन के लिए टू के लिए जीरो, जीरो फिर टू माइनस वन इज वन. अगर एन का वैल्यू थ्री होता तो होता था जीरो, वन और टू. तो एल के तीन वैल्यूज हो जाते फॉर एन इज इक्वल टू थ्री. बात समझ में आई क्या पार्थ? उसी तरह अगर नेक्स्ट ये लिखना चाहोगे लिख लो पहले, फिर थर्ड, उसी तरह जाते हैं. अच्छा, थर्ड शेल में कितने सबशेल होंगे बताओ? थर्ड शेल में कितने सबशेल होंगे? तीन. बोला सर नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर. फोर में कितने सबशेल होंगे? चार. फिफ्थ में कितने सबशेल होंगे? पांच. सिक्स में कितने सबशेल होंगे? छह. सेवन में कितने सबशेल होंगे? सात. तो नंबर ऑफ सबशेल एट एनी शेल इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर. बात समझ में आ रहा है? किसी भी शेल में कितने सबशेल होंगे वो डिपेंड करेगा कि शेल नंबर कौन सा है. शेल नंबर कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि शेल नंबर से हमें डिसाइड होगा कि किसी भी शेल में कितने सबशेल होने वाले. बढ़ू आगे मैं? लिख लिया ये आपने? लिख लिया. उसी तरह वेट, देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट. हाथ भी चलना चाहिए, दिमाग भी चलना चाहिए, तभी देखो फास्ट बनना है आपको, आपको फास्ट बनना है. जल्दी लिखिए. प्रणव कदम, प्रणव संजय कदम, फास्ट लिखो. तो सेकंड शेल में कितने सबशेल हुए? सेकंड शेल में दो सबशेल. हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन थर्ड शेल? हाउ मेनी सबशेल्स आर there in third shell. Third shell का मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 3. n का वैल्यू हो गया 3. तो l का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा? 0 टू 3 माइनस 1, मतलब 0, 1 एंड 2. 0 इंडिकेट करता है s टाइप का सबशेल, 1 इंडिकेट करता है p टाइप का सबशेल, और टू इंडिकेट करता है डी टाइप का सबशेल. सो थ्री टाइप ऑफ सबशेल्स आर देयर इन थर्ड शेल. थ्री टाइप ऑफ सबशेल्स आर देयर इन थर्ड शेल. वेरी गुड. उसी तरह
एन के लिए अगर फोर आ जाए तो एल का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा, जीरो टू फोर माइनस वन, जीरो वन टू एंड थ्री, ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ. सो फोर टाइप ऑफ सबशेल्स आर देयर इन, फोर टाइप ऑफ सबशेल्स आर देयर इन फोर्थ शेल. होपफुली समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है सब, कि नंबर ऑफ, इनफैक्ट नंबर ऑफ सबशेल किसी शेल में कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू शेल नंबर. और वो टाइप कौन कौन से टाइप के सबशेल है, एस है, पी है, डी है, एफ है, जी है, ये बहुत तरह अलग अलग तरह के सबशेल है. ये लिख के करो डन, फिर आगे बढ़ता हूं. लिख के करो डन. तो नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर. एक तो बात समझ में आ गया कि किसी भी शेल में कितने सबशेल होंगे, इक्वल टू इट्स शेल नंबर, जो उसका नंबर है, शेल नंबर है, उतने सबशेल्स होंगे. और कौन कौन से होंगे, तो अगर एल का वैल्यू जीरो आ रहा है तो एस टाइप होगा, एल का वैल्यू जीरो और वन दोनों आ रहा है तो एस और पी दोनों होगा, एन का, एल का वैल्यू जीरो वन टू आ रहा है तो मतलब एस पी डी तीनों होगा, एल का वैल्यू जीरो वन टू थ्री आ रहा है तो एस पी डी एफ होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है. और आप एक ध्यान देखो, अगर कहीं पर डी है तो एस और पी तो होना जरूरी है, अगर किसी जगह पे पी है किसी शेल में तो एस तो होना जरूरी है, मतलब एस पहले होगा फिर पी होगा फिर डी होगा, हो सकता है कि उसमें एफ ना हो. पहले शेल में अगर मैं बोलूं पहले शेल में क्या पी है, तो आंसर होगा नो. फर्स्ट शेल केवल एक टाइप के सबशेल से बना है, दैट इज एस. सेकंड शेल में कितने टाइप के सबशेल हैं, तो बोला दो टाइप के, कौन कौन से, एस और पी, है ना. हर शेल में एस टाइप तो है ही है, हर सेकंड, फर्स्ट शेल में पी नहीं है, सेकंड शेल में पी है, थर्ड फोर्थ सब में पी है, सेकंड शेल में एस और पी है, डी नहीं है, थर्ड शेल से डी स्टार्ट होता है, फोर्थ शेल से एफ स्टार्ट होता है, बात समझ में आ रहा है. एफ के आगे क्या अल्फाबेट है, एफ के आगे जी है, जी के आगे एच है, बट वो मिला ही नहीं अभी तक ना, वो एलिमेंट पाए नहीं गए अभी तक, ऐसा पाए नहीं गए जहां पर एफ जी मिले, इतने में ही काम हो जाना है. ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू. इफ एन इज इक्वल टू फाइव, तो एल का वैल्यू जो होगा वो होगा जीरो टू फाइव माइनस वन, मतलब जीरो टू फोर, तो जीरो टू फोर मतलब जीरो वन टू थ्री फोर, तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा G, है कि नहीं. उसी तरह इफ N इज इक्वल टू 6, तो वहां पर L का वैल्यू 0 टू 5 तक जाएगा. अरे जानने से क्या फर्क पड़ता है, G, H, I तुम दे दो ना, S, P, D, F, G, H, I, उसके बाद ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, G भी जानने की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, G, H, I, J, K, ऐसे बढ़ते जाओ. ठीक है ना, इफ N इज इक्वल टू 6, L का वैल्यू रेंज करेगा 0 टू 6 माइनस 1, 5 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, मतलब S, P, D, F, G एंड H एंड सो ऑन. तो एक नोट यहां पर मेरे को मिल रहा है कि नंबर ऑफ सबशेल इन अ सेल इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर. नंबर ऑफ सबशेल In a shell, number of subshell in a shell is
इक्वल टू इट्स शेल नंबर। बस आज यही क्लास को रोकेंगे, इतना लिख लो और डन करो, ठीक है। तो आज हमें यह समझ में आ गया कि किसी भी शेल में सब शेल कितने होते हैं, शेल नंबर के बराबर होते हैं। और कौन कौन से शेल सब शेल होते हैं, एस पी टी एफ जी। अब ये क्या है, कैसे है, ये कल के क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहां बंद करता हूं, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू।